सब्जेक्ट है, उसका चैप्टर है थर्ड, नेम एंड नाउंस। नाउन से जेंडर के अकॉर्डिंग आप सभी को पता ही होगा जेंडर क्या होते हैं। जेंडर होते हैं बॉय होता है गर्ल होता है, तो बॉय का ओपोजिट जेंडर क्या होगा गर्ल होगा। इसी तरह मेल का फीमेल होता है, तो इन सभी को डिनोट करने के लिए लाइक मेल को डिस्क्राइब करने के लिए मस्कुलाइन वर्ड आता है और फीमेल को फीमेल के लिए होता है फेमिनाइन वर्ड यूज होता है। इसी टाइप हम देखेंगे कि यहाँ पर फोर टाइप्स ऑफ जेंडर दिए हुए हैं। हम देखेंगे पहला जेंडर है हमारा मैस्कुलाइन जेंडर, मैस्कुलाइन जेंडर ये होता है मेल यानी कि मेल नाउन के लिए होता है। नेक्स्ट है हमारा फेमिनाइन जेंडर, ये होता है फीमेल वर्ड के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है फीमेल के लिए। नेक्स्ट है कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर ये कॉमन थिंग्स के लिए यूज होता है लाइक ऐसे वर्ड्स है जिनमें मेल और फीमेल दोनों ऐड होते हैं लाइक पेरेंट्स हैं, टीचर है, डॉक्टर है, ये सभी कॉमन जेंडर के कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारा न्यूट्रल जेंडर, क्या है न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर वो होते हैं जैसे कि कोई थिंग्स के लिए यूज होता है, कोई चीजें होती है उनके लिए कौन सा जेंडर यूज होता है न्यूट्रल जेंडर यूज होता है। पहला पढ़ते हैं मैस्कुलाइन जेंडर, मैस्कुलाइन किसके लिए यूज होता है मेल्स नाउन के लिए यूज होता है। लाइक हम देखेंगे एग्जाम्पल ब्रदर, तो ब्रदर क्या है एक लड़का होता है, तो ये क्या है मैस्कुलाइन जेंडर कहलाएगा। नेक्स्ट है सन, तो सन भी क्या होता है एक लड़का होता है या बेटा होता है, तो ये क्या कहलाता है मेल के थ्रू आता है मेल। इसी तरह देखते हैं टाइगर, तो टाइगर भी क्या होता है मेल वर्जन होता है, तो टाइगर का फीमेल वर्जन होता है टाइग्रेस, तो टाइगर का मेल वर्जन यहाँ पर क्या है टाइगर, तो ये भी क्या कहलाता है मैस्कुलाइन जेंडर कहलाता है। इसी तरह फादर है, फादर मदर भी होता है, ये सभी क्या है अंकल है, ये सभी क्या कहलाते हैं मैस्कुलाइन जेंडर कहलाते हैं। समझ में आया। नेक्स्ट है हमारा सेकंड जेंडर है फेमिनाइन जेंडर। मैंने आप सभी को पहले ही बता रखा है कि फेमिनाइन जेंडर किसके लिए यूज होता है फीमेल नाउंस के लिए यूज होता है, किसके लिए फीमेल नाउन के लिए। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं लाइक हमारा मदर है, हमारे मदर क्या है फीमेल होते ना, तो ये भी क्या कहलाता है फेमिनाइन जेंडर। सिस्टर है, आंट है और ग्रैंड मदर है, ग्रैंड मदर एटसेट्रा, और भी है डॉटर है, तो ये सभी क्या कहलाते हैं किसके एग्जांपल्स है फेमिनाइन जेंडर के एग्जांपल्स है। इसी तरह मैस्कुलाइन किसके लिए डिनोट होता है मेल के लिए और फेमिनाइन फीमेल के लिए, फीमेल नाउंस के लिए फेमिनाइन यूज होता है। कॉमन जेंडर इसके नेम से डिस्क्राइब हो रहा है कि कॉमन कोई भी वर्ड होते हैं यानी कि जेंडर ऐसे जेंडर जिनमें कॉमन होते हैं लाइक डॉक्टर है तो डॉक्टर में बॉय एंड सॉरी मेल एंड फीमेल दोनों होते हैं। एनिमल्स वर्ड है उसमें भी मेल एंड फीमेल दोनों जेंडर होते हैं। ऐसे हम देखते हैं बेबी, तो बेबी एक छोटा बेबी होता है उसमें भी बॉय भी होता है और गर्ल भी होते हैं, तो उसको हम बुलाने के लिए ओनली क्या वर्ड यूज करेंगे बेबी। और है टीचर, तो टीचर भी स्कूलों में टीचर होते हैं, तो टीचर यानी कि मेल भी होते हैं और फीमेल भी होते हैं, तो उनके लिए ओनली वन वर्ड क्या यूज होगा टीचर, ओनली टीचर। अब है डॉक्टर, तो डॉक्टर भी फीमेल होती है और मेल भी होते हैं, तो उनको ओनली क्या बोलेंगे उनके पोस्ट के अकॉर्डिंग ओनली हम बोलेंगे डॉक्टर, क्या बोलेंगे डॉक्टर। समझ में आया। एनिमल्स भी देखते हैं एक और, तो एनिमल्स भी क्या है एनिमल्स में भी मेल भी होता है फीमेल भी होता है लाइक लायन है लायनेस दोनों है, ये दोनों क्या है एनिमल्स है, तो इसमें भी क्या है फीमेल और मेल दोनों होते हैं, तो ये सभी किसके एग्जांपल्स है कॉमन जेंडर के, किसके कॉमन जेंडर के। समझ में आया।
नेक्स्ट हम फोर्थ पढ़ते हैं, न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर, न्यूट्रल जेंडर किसे बोलते हैं? ऐसी जैसे कि कोई थिंग्स होती है, क्या होती है? कोई थिंग्स होती है जिनमें कोई एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। टेबल क्या है? टेबल, तो टेबल में कोई मेल या फीमेल नहीं है, तो ये क्या है? क्या कहलाते हैं? थिंग्स होती है, तो ये क्या कहलाते हैं? किसके मतलब किसका एग्जाम्पल है? न्यूट्रल जेंडर का। इसी तरह हम देखते हैं पेन, तो पेन में भी कोई जेंडर नहीं होता, नहीं होता ना, तो ये भी क्या कहलाएगा? न्यूट्रल जेंडर कहलाता है। और भी देखते हैं लाइक स्कूल है, तो स्कूल भी क्या है? स्कूल में भी मतलब लाइक स्कूल का भी कोई जेंडर नहीं होता, तो ये भी क्या है? न्यूट्रल जेंडर का एग्जाम्पल है। बैग है, तो बैग में भी कोई बॉय एंड गर्ल तो होता है नहीं। मोबाइल फोन है, तो ये सभी किसके क्या कहलाते हैं? न्यूट्रल जेंडर कहलाते हैं। समझ में आया? बहुत ही इजी था ना। इसके क्या करते हैं, कुछ देखते रूल्स देखते हैं। चेंजिंग मैस्कुलिन इनटू फेमिनाइन। पहला रूल है बाय एडिंग ईएस। ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको मैस्कुलिन से फेमिनाइन में चेंज करने के लिए पीछे क्या ऐड हो जाता है? ईएस ऐड हो जाते हैं। फर्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं लायन, तो लायन का क्या बन जाएगा? पीछे ईएस ऐड हो जाएगा, तो लायन का लाइनेस क्या बन जाएगा? लाइनेस। नेक्स्ट है पोइट का, पीछे क्या ऐड हो जाएगा? ईएस ऐड हो जाएगा, तो पोइट का पोइटेस बन जाएगा। और भी देखते हैं ऑथर, तो ऑथर को सॉरी फेमिनाइन मैस्कुलाइन से फेमिनाइन में चेंज करने के लिए ऑथर का क्या बन जाएगा? ऑथरेस। क्या बन जाएगा? ऑथरेस। समझ में आया? हमारा सेकंड रूल से बाय ड्रॉपिंग लास्ट वोवेल्स एंड एडिंग ईएस। ऐसे कोई वर्ड्स होते हैं जिनके एंड में क्या आता है, जिनके सॉरी लास्ट वोवेल्स आता है, लास्ट से स्टार्ट करते टाइम क्या आता है? वोवेल्स आता है, तो उस लास्ट वाले वोवेल्स को क्या करते हैं? हटा देते हैं और पीछे ईएस ऐड हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं टाइगर, तो इस वर्ड में देखिए यहाँ पर आर के जस्ट बाद कौन सा वोवेल है? ई है, तो ई जब हम इसको मैस्कुलिन से फेमिनाइन में कन्वर्ट करेंगे तो ई क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा, यानी कि हट जाएगा और डायरेक्ट आर आ जाएगा और उसके पीछे डबल एस ई डबल एस जुड़ जाएंगे, टाइगर का टाइग्रेस बन जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्टर, तो यहां पर भी देखिए आर के बाद जस्ट क्या है, वोवेल्स कौन सा है? ओ है, तो ओ क्या, ओ हट जाएगा, तो ओ हटकर क्या आ जाएगा? आर वापिस ऐसा का ऐसा आ जाएगा और उसके पीछे ई डबल एस लग जाएगा, तो एक्टर का क्या बन जाएगा? एक्ट्रेस। इसी तरह देखते और हंटर, नेक्स्ट है हंटर, तो आर के जस्ट आगे क्या है? ई है, ये भी क्या है? वोवेल्स है। देखिए ये सभी क्या है? वोवेल्स है, ई ओ एंड वापिस ई, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा? जो वोवेल्स है वो क्या हो जाएगा? हट जाएगा और पीछे आर एज इट इज एड हो जाएगा और उसके नेक्स्ट में ई डबल एस एड हो जाएगा, तो हंटर का हंट्रेस। बहुत ही इजी था ना, समझ में आया? इसी तरह ये वीडियो और अच्छे से समझने के लिए पूरा स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखें। सब्सक्राइब लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। If you like the video, please subscribe our channel and press the bell icon for another updates. Thank you.